Hello everyone, welcome to Pioneers Academy classes. Here we go with a new topic, class 9, chapter 1, French Revolution. Now the Reign of Terror. The Reign of Terror means, Reign hota shashan. Aur terror matlab dar, terrorism, terror, terrorist. To terror hota bhai, dar. To ye kaun sa period tha? Actually, I'll explain point wise and these are your notes also. Straight away you can write down it. So, from 1793 to 1794, as the King Louis XVI was sentenced to death, तो उसके बाद का जो period है 1793 से 1794, known as Reign of Terror. तो Reign of Terror और Reign of Terror, ये जो time है, ये Robespierre यानी जब Jacobians ने ही उसको held किया था और उसके बाद Jacobians यानी middle class और lower class was into power. और कन्वेंशन के तहत जो पार्लियामेंट वहाँ बनी थी मोनार्की के बाद रिपब्लिक हुआ था, तो रिपब्लिक वाला टाइम ही है. नंबर टू, एज Robespierre फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर पनिशमेंट, इसीलिए Reign of Terror भी बोलते हैं. Robespierre जो हेड था जैकोबियंस का, उसने सीवियर पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई, वो बहुत खतरनाक पनिशमेंट देता था. तीसरा पॉइंट बड़ा लंबा है, जितने भी लोग, जिन भी लोगों को देखता था वो जो भी रिपब्लिक के एनिमीज उसको नजर आते थे, गणराज्य के दुश्मन नजर आते थे, जैसे कि नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, मेंबर्स ऑफ अदर पार्टीज थे, चाहे वो उसी की पार्टी का कोई नेता क्यों ना हो, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, जो उसके मेथड से एग्री नहीं करता था, वो आर इम्प्रिजेंड, उनको वो जेल में डालते थे. Untried, मतलब उसको कोर्ट में उसका ट्रायल होता था बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. उसने एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाया था, जजेस का ट्रिब्यूनल बनाया था जिसमें फटाफट काम होता था. इफ दे फाउंड गिल्टी, अगर कोई भी उसमें गिल्टी फाउंड होता, देवर, देखो यहाँ पे लिखा है गिलोटाइंड. गिलोटाइंड याद रखिएगा, गिलोटाइंड एक मेथड है. अब मेथड क्या है? गिलोटाइंड इज अ डिवाइस, वो एक डिवाइस है जिसमें कि दो पोल होते हैं और एक ब्लेड होता है, इन विच उस किसी भी आदमी को बीहेड किया जाता है, यानी हेड अलग कर दिया जाता है धड़ से, इट इज कॉल्ड सो. ये इसलिए इसको गिलोटाइन कहते हैं कि इसके जो इन्वेंटेड, जो इसको इन्वेंट किया था वो डॉक्टर गिलोटिन ने किया था. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट प्लेस्ड सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, क्योंकि बहुत बुरे हाल थे फ्रांस के, सभी जानते हैं. तो सीलिंग मतलब रोक लगा दी उन्होंने, किस पे? वेजेस एंड प्राइसेस, दिहाड़ी पे और कीमतों पे रोक लगा दी, कम कर दी बहुत. मीट एंड ब्रेड वर राशनड, मीट और ब्रेड को राशन किया जाने लगा, उसका राशन मतलब कंट्रोल किया जाने लगा, एक मात्रा से ज्यादा किसी को नहीं देना था, ये मतलब उसका. पीजेंट्स मजबूर थे अपने ग्रेन को, अपने अनाज को, अपने प्रोड्यूस को फिक्स प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी सिटीज में, उसी प्राइस पर बेचना होता था. Use of expensive white flour, flour is आटा, जो महंगा सफेद आटा था उसका use forbidden, मना कर दिया गया था, forbidden. All have to eat, सभी को pain de gallety बोलते हैं, pain de, ये जो pain de gallety है ये French word है, इसका मतलब है equality bread, नाम दिया उसने equality bread, वो खाना होता था. Church buildings को खत्म कर दिया, demolish किया, मतलब खाली करवा दिया, बंद कर दिया church, converted into barracks, जहाँ सिपाही रहते हैं उसे barrack कहते हैं, एंड ऑफिसर्स, ऑफिस में बदल दिया. देर आर नो मॉन्जेर, मॉन्जेर पहले फ्रेंच में सर को बोलते हैं, सर, मैडमे, मैडम जो इंग्लिश है ये फ्रेंच है, कोई नहीं किसी को मैडम सर किसी को नहीं बोला जाता था. और आर साइटोयन, साइटोयन नागरिक, सिटीजन, एंड साइटोयनिक महिलाओं को. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड, फाइनली लोग उसके भी खिलाफ हो गए, जब सख्ती करेगा तो उसके खिलाफ सब हो ही जाते हैं. जैसे पनिशमेंट देते हैं तो, जैसे हम भी कभी हार्श होते हैं, पनिशमेंट देते हैं तो आप हमें भी कहते हो कि सही नहीं है, हमें डांट दिया, उसी तरीके से जो Robespierre था वो भी एक दिन कन्विक्ट हुआ ट्रायल में, कोर्ट ने उसको भी कन्विक्ट किया, माना, और जुलाई 1794 को उसे भी गिलोटिन मशीन में ही डाल दिया गया, बीहेड कर दिया गया, वही तरीका था वहाँ. तो दिस इज व्हाट Reign of Terror, यही वहाँ टाइम था, Reign of Terror भी बोलते हैं 1794 का, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है ना? हाँ, इट्स ओके. नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बाद आते हैं.